माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। इससे पहले मैंने क्लास 3 कंप्यूटर सब्जेक्ट से इंट्रोडक्शन टू एमएस वर्ड 2010 की वीडियो बना चुके हैं। अगर अभी तक उसे आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर अवश्य देखिए। और आज का हमारा चैप्टर है नो मोर अबाउट एमएस वर्ड 2010। इसमें हम जानेंगे क्रिएटिंग अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, इंसर्टिंग टेक्स्ट, सेविंग अ डॉक्यूमेंट, ओपनिंग अ सेव डॉक्यूमेंट, प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट एंड लास्ट एग्जिस्टिंग एमएस वर्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे क्रिएटिंग अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। हम न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट कहाँ से लेते हैं? तो सबसे पहले हम लेफ्ट कॉर्नर पर फाइल ऑप्शंस को क्लिक करेंगे और उसके बाद हम न्यू पर क्लिक करेंगे, देन क्रिएट। ये राइट साइड आपका ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिख रहा है, इस पर हम क्रिएट क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्रिएट पर क्लिक करते हैं, इस प्रकार का हमारा ब्लैंक पेज सामने आ जाता है। अब आप इस पर एक ब्लिंक ब्लैक कलर की लाइन देख रहे हैं, जिसे हम कर्सर कहते हैं। अब हम जानेंगे इंसर्टिंग टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट को हम कैसे इंसर्ट करें। टेक्स्ट मीन्स बच्चों लिखना। ये हमारा वाइट पेज जो दिख रहा है, इसे डॉक्यूमेंट एरिया या ड्राइंग डॉक्यूमेंट पेज भी बोलते हैं, जिस पर हम टेक्स्ट लिखते हैं। तो चलिए हम लिखना शुरू करते हैं। कीबोर्ड की मदद से हम लिखेंगे हेलो माय डियर किड्स। तो ये हमने कीबोर्ड की मदद से लिखे हैं। आप यहाँ पर कीबोर्ड की मदद से कर्सर आपको जहाँ भी दिख रहा है, जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यहाँ से आप कुछ भी लिख सकते हैं। एंड नेक्स्ट लाइन पर जाने के लिए हम इंटर की दबाते हैं कीबोर्ड से, एंड नेक्स्ट लाइन पर हम जा सकते हैं। इसी प्रकार हम नेक्स्ट लाइन पर लिख सकते हैं कीबोर्ड की मदद से। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन जानेंगे कि जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं कंप्यूटर में, इसको सेव कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए ये वर्ड आपने लिखा है और इसे वापस से सेव करना चाहते हैं और नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टाइम इसे फिर से देखना चाहते हैं, तो इसके लिए हम जाएंगे फाइल ऑप्शन पर और सबसे ऊपर ऑप्शन है सेव, सेव पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सेव ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, हमारे पास ये बॉक्स खुल जाता है। यहाँ पर आप जिस नाम से अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं, उसी नाम से हम फाइल को सेव करेंगे। जैसे ही हम कीबोर्ड से लिखना शुरू करेंगे, वहाँ पर लिखाना शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर क्लास 3 के नाम से इसको सेव किया है और सेव पर नीचे क्लिक कर देंगे, ये फाइल हमारी सेव हो गई है। अब हम जानेंगे ओपन सेव फाइल। अब हम कोई भी फाइल को ओपन कर सकते हैं जिस फाइल को हमने अपने एमएस वर्ड में सेव किया है। मान लीजिए इसको हम क्लोज कर देते हैं और अब वापस हमें देखना है वो फाइल हमारी कहाँ है। तो फाइल पर जाएंगे, ओपन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ फाइल नेम है, डायरेक्ट यहीं से हम जो फाइल नेम से हमने फाइल सेव की है, हमने किस नाम से सेव की थी, क्लास 3 के नाम से, तो यहाँ पर उसकी लिस्ट भी आ जाती है। आप उसको सेलेक्ट करेंगे और ओपन पर क्लिक करेंगे, देखिए ये फाइल हमारी खुल गई। अब नेक्स्ट ऑप्शन पर हम जाएंगे प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट। मान लीजिए ये पेज पर हमने लिखा है और इसको प्रिंट आउट लेना चाहते हैं हार्ड कॉपी में, तो फाइल पर गए और प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करने से हमारा ये प्रीव्यू यहाँ पर दिख जाता है कि पूरे पेज में हम कहाँ पर मैटर हमारा लिखा हुआ है, और फिर हम इसे प्रिंटर हमारा यहाँ पर शो हो जाता है। जो भी प्रिंटर आपका सिस्टम में लगा हुआ है, यहाँ से आप इसको अटैच कर सकते हैं। प्रिंटर के नाम यहाँ पर शो हो जाते हैं, उस पर हम क्लिक करके फिर यहाँ पर कितनी कॉपी चाहिए, 1 कॉपी चाहिए, 2 कॉपी चाहिए, वो हम सेलेक्ट करेंगे। फिर हमें कितने पेज की चाहिए, ऑल पेज चाहिए या करेंट पेज चाहिए, करेंट पेज मतलब सिर्फ यही पेज आपको चाहिए या जितना आपने लिखा है वह सारे पेज को प्रिंट आउट करना है, तो हमने यहाँ पर करेंट पेज कर दिए हैं। अब जो है ये पेज पर हम क्लिक करके उसके ओरिएंटेशन एंड लैंडस्केप को ही देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये सेटिंग हो चुकी है और जैसे ही हम प्रिंट पर क्लिक करेंगे, हमारा पेज जो है प्रिंटर से प्रिंट आउट होकर बाहर आ जाएगा। एंड वापस जाने के लिए हम वापस फाइल पर क्लिक करेंगे,
तो हम अपने एमएस वर्ड के डेस्कटॉप पर पहुंच जाएंगे। और अब लास्ट ऑप्शन है हमारा एग्जिस्टिंग एमएस वर्ड, यानी एमएस वर्ड से हम बाहर कैसे आएंगे। तो इसके लिए हम जाते हैं फाइल पर और यहाँ एग्जिस्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। देखिए ये हम वापस बाहर आ चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।